लव यू ऑल। और अभी हम लोग जा रहे हैं मैराथन में, धोनिल ने मैराथन में पार्ट लिया है तो उधर भी हम लोग अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गई है रेस ख़त्म। 1 किलोमीटर की थी, बहुत लंबी रेस नहीं थी क्योंकि वो वही कैटेगरी या एज ग्रुप वही 1 किलोमीटर वाला ही था एंड उसको मेडल भी मिल गया, पार्टिसिपेटिंग मेडल ही था। तो बस अब हम चलते हैं घर, सुबह से आए हुए थे। गुड मॉर्निंग, आज है अनदर डे आउट और आज हम लोग जा रहे हैं फार्म में, बरखा फार्म। और ये एक हमारी जो कंपनी है ये ऑर्गेनाइज करती है डे आउट, तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आने वाली है और हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। क्रिकेट मैच, लेट्स गो क्रिकेट मैच। और ये है ओमान के रोड्स और देखिए कितने ब्यूटीफुल और कितने नीट क्लीन। एंड ये हम आ चुके हैं फार्म में जहाँ पे पूरा इवेंट होने वाला है या जहाँ पे अभी हम लोग पूरा दिन स्पेंड करने वाले हैं। तो अभी टाइम हुआ होगा अराउंड 10:30-11 बजे होंगे और सब लोग आए हुए हैं। ये कंपनी का इवेंट है तो मेरे पापा, मेरे देवर, हम सब लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। इनफैक्ट मेरे दादा थे वो भी यही कंपनी में थे एंड इवन मेरे काका ससुर थे वो भी यही कंपनी में थे। तो हर इवेंट हमारा एक साथ ही होता था। और ये अलग अलग फन जोन्स हैं, किड्स का जोन है, लेडीज़ का जोन है, वन टाइम ये मेहंदी का जोन था, टैटू का जोन था। तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स किए हुए थे या स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो हमारा पूरा दिन अच्छे से बीत जाता है यहाँ पे। और ये देखिए कितने बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं। और ये थी लॉकडाउन से पहले की लाइफ, कोरोना से पहले की लाइफ, आप देख सकते। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, पेंटिंग हो रही है, बाउंसर कासल है। और ये जो एरिया है ये पूरा एनिमल्स के लिए है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स है, काउस, गोट्स, हॉर्सेस, ये पूरा एरिया वहाँ पे है। तो पूरा एक्टिविटी एरिया है, पीछे क्रिकेट चल रही है। और वहाँ पे लेडीज मसाज सेंटर है, कुछ अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और हम जो फार्म में घूम रहे हैं वो फार्म पहला फार्म है, यहाँ पे 2 फार्म को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है और वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट रहता है, पानी, नाश्ता, वो तो पूरे दोनों फार्म्स में रहते ही है। तो पूरा डे आउट रह जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। और ये मेरे देवर देवरानी हैं। तो अब चलिए मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं, मैं हूँ एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग भी अभी अभी आए हैं तो पता नहीं क्या एक्टिविटी कहाँ हो रही है और कहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए। छोटे छोटे गेम जोन्स हैं, क्या है, शूट द गोल, ब्लो द बॉल, कोकोनट शाय, फीड द हंग्री और यहाँ पे एक और कुछ है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है अभी। देखिए इतनी सारी काउज है यहाँ पे। This is the event. ये लोग यहाँ पे क्राफ्टिंग चल रही है बच्चों के लिए।
और ये है मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड धीरल, उसकी फैमिली शिवांगी खड़ी है, और ये मेरे काका खड़े हैं। वेदू, व्हाट आर यू डूइंग? शो माय वाटर। हैड टू पे माय वाटर। अपना खाना यहां हैड टू ओपन। बोल कर रहा है What are you doing, Gonel? Vedu, wait. और यहाँ पे लेडीज के लिए एक इवेंट था, लाइक शेल्फ में पेंटिंग करना था, तो बस मैं वही कर रही हूँ, जस्ट गिविंग अ ट्राई, क्योंकि सारे मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, वहाँ से ही लेना था, तो मुझे ऐसा कुछ मिल गया। देन ये जो पेंटिंग की है वो सारी वेदांश ने की है, मैंने तो सिर्फ अपना आइडिया लगाया है एक फ़ोटो फ्रेम बनाने का, एंड अच्छा खासा हमने कर लिया ये जो भी मटेरियल्स अवेलेबल थे। और ये देखिए, मेमोरी नेवर डाइज। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे फार्म में खाना खाने के लिए, हमारा जो पेंटिंग का वर्क था वो हमने सबमिट कर दिया है, बहुत मज़ा आया करके। आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है, अराउंड 2 to 3,000 होंगे अप्रॉक्सीमेट में बोल रही हूँ। और ये सारे लास्ट ईयर्स के फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये एवरी ईयर होता है, तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं वो सारे लास्ट ईयर के हैं, एवरी ईयर चेंज होते हैं। ये सेल्फी जोन। और यहाँ पे वेदांश, वेदांश के फ्रेंड्स सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो भी कंपनी की है, तो सारे बिल्डिंग वाले भी वहीं पे थे, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे, एंड बहुत सेफ है, लाइक बच्चे घूम रहे हैं अपना, हम लोग अपना घूम रहे हैं, इट्स वेरी सेफ, एंड पूरा दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है, बहुत मज़ा आता है ये इवेंट में। इनफैक्ट हम लोग सब वेट करते हैं कि ये इवेंट कब होगा। बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स देखे आपने।
वाटरिंग चल रही है। ये वन ऑफ माय फेवरेट है, मगर ये एक अच्छी है। शाम के खाने की तैयारी हो रही है फिलहाल। ये पिज्जा हट का पूरा सेटअप लग रहा है। एंड ये है मेरे पापा, आप सब जानते ही हैं। ये मेरी मम्मी यहाँ पर ले रही है चाय के मज़े। शिवांगी और ये देखिए वेदांश। नानी मटे ना ले जा। बस बस और ये देखिए हमारे चेहरे पे खुशी। और ये मेरी फ्रेंड है धीरल, उसको फर्स्ट प्राइज मिला एंड मुझे सेकंड प्राइज मिला। और खुशी आप हमारे चेहरे पे देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड प्राइज भी हमें मिल गया है। ये अंजीर है, फ्रेश अंजीर। अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और बस अब है डिनर की तैयारी हो गई है। वहाँ पे पिज़्ज़ा का स्टॉल है, दाबेली का स्टॉल है, तो अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर एंड देन। और यहाँ पे ये देखिए दाबेली पिज़्ज़ा का मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मगर दाबेली का शूट कर लिया। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो देन गिव इट अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।